हेलो, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि केनुला कैसे लगाएं। मतलब कि केनुला लगाने से पहले हमें पांच चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला है टैकुलेट, टैकुलेट हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। और दूसरा है सर्जिकल ग्लव्स। सर्जिकल ग्लव्स इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम उस मरीज को लगाते हैं तो कहीं उसका ब्लड हमारे हैंड पर मत लग जाए, मतलब कि हाथ में ना लग जाए। इसके कारण हमें इन्फेक्शन हो सकती है या उस मरीज को इन्फेक्शन हो सकती है, इसलिए हमें सर्जिकल ग्लव्स होना ज़रूरी है। और तीसरा केनुला। और चौथा है एल्कोहल पैड। एल्कोहल पैड इसलिए जरूरी है कि उस बेंच को अच्छे से साफ करना चाहिए कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन ना हो। और पांचवा है केनुला ड्रेसिंग। केनुला ड्रेसिंग बहुत ज़रूरी होता है कि वहाँ पर लगाकर अच्छे से टिप किया जाता है। देखिए, उससे पहले हमें सबसे पहले उस मरीज को टैकुलेट से अच्छे से बांध देना चाहिए, और उसके बाद हमें उस बेंच को अच्छे से देखकर वहाँ पर दो तीन थपथपी लगा देते हैं, क्योंकि वहाँ पर अच्छे से बेंच स्पष्ट दिखाई देती है, जिसके कारण बेंच ऊपर आ जाती है। उसके बाद हमने जो एल्कोहल पैड ली है उसे अच्छे से बेंच में बेंच को साफ कर देते हैं, मतलब कि नस को अच्छे से साफ कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरिया इन्फेक्शन ना हो, इसके कारण वहाँ पर अच्छे से साफ कर लेते हैं। उसके बाद हमने केनुला को लिया। केनुला लेने के बाद हमने देखिए कितने अच्छे से निकाला हूँ। उसके बाद आप उसे देख सकते हैं। उसके लिए तो हमें सबसे पहले तो देखना पड़ेगा। जब तक ये कर रहा हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ला और बेल आइकन को दबा दें। देखिए, इसमें आसानी से मैं बताया हूँ। उसके बाद देखिए, उस बेंच को आप स्पष्ट देख कर उसे इन कर देते हैं, मतलब कि स्लोली से इन कर देते हैं। इन करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर हल्का सा ब्लड आया, देख सकते हैं यहाँ पर ब्लड आया। ब्लड आने के बाद अगर आप यहाँ पर हाथ नहीं रखते हैं तो पूरे ब्लड बाहर निकल जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हाथ रखना ज़रूरी है कि उस मरीज को ढेर ब्लड ना। उसके बाद अच्छे से कैप लगा देते हैं, देख सकते हैं कैप में हमने लगा दिया, अच्छे से कैप लगा देते हैं। उसके बाद हमने केनुला ड्रेसिंग जो बताया था, उस केनुला ड्रेसिंग को होना ज़रूरी है। उसके बाद केनुला ड्रेसिंग को अच्छे से यहाँ पर चिपका देते हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने इसे कितना स्लोली से चिपकाया, मतलब कि देख सकते हैं कैसे चिपका रहा हूँ, वैसे आप चिपका सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम केनुला लगाते हैं तो आप अपने डॉक्टर के सलाह अनुसार लगाइए। देखिए, यहाँ पर आसानी से हमने तो बता दिया, लेकिन आप अपने डॉक्टर के सलाह अनुसार लगा सकते हैं उस मरीज को, ठीक। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।